हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आपने पहले के मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आप पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास और हिंदी के मॉक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वाला EVS का मॉक टेस्ट। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 में से अगर आप 25 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो में आपको कठिन प्रश्नों के साथ साथ सरल प्रश्न भी मिलेंगे। देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है ये होता है सीधा, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। और अगर आपने पहले के मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, बाज के बच्चे कहलाते हैं बच्चा, टैडपोल, चूजा, मेमना, इयास, सावक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है इसका। बाज के बच्चे कहलाते हैं, तो बाज के बच्चे जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके इयास। इयास जो है बाज के बच्चे कहलाते हैं। इसका ऑप्शन आपका पांचवा सही है। प्रश्न हमारा अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं इस बार आने की संभावना बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है पैटर्न चेंज होगा, तो इस वजह से इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे पर्यावरण अध्ययन में। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है, तो कहानी जो विधि होती है वो पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रभावशाली है प्राथमिक स्तर पर। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फैनल बोर्ड। तो कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, तो ये है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP का पूरा नाम होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है किसका प्रयोग करके हम जान सकते हैं बच्चे के मतलब बच्चे का आकलन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, ठीक है। अगला है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है, कुश्ती, धनुर्धारी, निशानेबाजी, क्रिकेट। तो भागवत जी जो हैं ये संबंधित हैं शूटिंग से, निशानेबाजी से। वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गोवा, मुंबई। वुलर झील कहाँ है, ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। वुलर झील, डल झील, ये आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ग्रीनलैंड। तो अंध महाद्वीप सभी को पता होगा, किसको कहते हैं, अफ्रीका को। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मलेरिया। तो समुद्री शैवाल जो है किसके स्रोत हैं, ये होते हैं आयोडीन के स्रोत, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है इसमें से। CO2, BH2, N2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैस है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे तन्य धातु है लोहा, सिल्वर, सोना, हीरा। सबसे तन्य धातु कौन सी है,
तो सबसे तन्य धातु है सोना। मूत्र में पाया जाने वाला अम्ल है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो मूत्र में जो पाया जाने वाला अम्ल है आपका वो है यूरिक अम्ल। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यशद लेपन क्या होता है? तांबे पर सोने की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, फर्श पर गोबर से लीपना, चांदी पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना। तो यशद लेपन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये होता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है थ्रेसिंग, निष्पामन, फसल की कटाई, हस्तचयन। मतलब दानों को भूसे से किस प्रकार अलग किया जाता है, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, निष्पामन। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? दाब, तापमान, सतह क्षेत्र, भार। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है किस पर? सतह क्षेत्र पर, यानी सतह की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है किसी भी विलेय की विघटन दर। अनवीकरणीय स्रोत है सूर्य, पवन, बायोगैस, डीजल। अनवीकरणीय स्रोत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आप लोग जो है गलती करके आते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही है डी, अनवीकरणीय, यानी जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार ये ख़त्म हो जाए तो ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा, चिनाब, नर्मदा, भिलंगाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? ये है कृष्णा नदी पर। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित है? HNO3, H2SO4, CH3COOH या ए और बी दोनों? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी सही है, HNO3 और H2SO4 जो हैं ये अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO, NO, O2, CO2। तो देखिए एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आपको जो है इनके नाम नहीं दिए होंगे, केवल सिंबल दिए होंगे, तो इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से संबंधित होती है? तो ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। लंदन धूम्र पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी, शीतकाल में सुबह के समय जो है लंदन धूम्र पाया जाता है। डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, कायंत्रित या बी और सी दोनों? डोलोमाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो ये है आपकी अवसादी चट्टान। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग यानी पृथ्वी से किस वेग से किसी भी वस्तु को फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, तो किस वेग से फेंका जाता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.2 मीटर प्रति घंटा। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर कोई पिंड पृथ्वी से फेंका जाता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। अरब सागर से लगने वाला राज्य है उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, वेस्ट बंगाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपके अनुसार। जब थोड़ा सा टफ प्रश्न बनता है तो इसी प्रकार से बनने लगता है। तो अरब सागर से लगने वाला राज्य है आपका गोवा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है? नेपाल में, भारत में, अमेरिका में, तिब्बत में? तो सभी को पता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वह स्थल जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है कहलाता है महाद्वीप, प्रायद्वीप, पठार, पर्वत। तो वह स्थल जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, जैसा हमारा भारत देश है, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पर्वत, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, यमुनोत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आप नदियों का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। और जितने भी मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं 500 की MCQs जो कराई है, अगर आप वो देखते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करके आएंगे। तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक से। राष्ट्रीय झंडे तिरंगे की रूपरेखा किसने तैयार की? राजेंद्र प्रसाद, इब्राहिम खां, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय झंडे यानी राष्ट्रीय झंडा जिसे तिरंगा कहते हैं, उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी पिंगली वेंकैया जी ने। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? 2:1, 3:2, 1:2, 4:3। तो इसमें जो अनुपात होता है वो होता है 3:2 का अनुपात लंबाई और चौड़ाई में। विश्व युवा दिवस कब होता है? 20 अगस्त, 7 अगस्त, 21 सितंबर, 12 अगस्त। तो विश्व युवा दिवस कब होता है, कब होता है बताइए? तो विश्व युवा दिवस जो है ये होता है आपका 12 अगस्त को। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, 30 में से जितने भी प्रश्न आप कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्रश्न हमारा, क्रू जेरा मुद्रा किस देश की है? रूस, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस। क्रू जेरा मुद्रा किसकी है? तो ये है ब्राज़ील की। देखिए रूस की जो मुद्रा है वो है आपकी रूबल, ठीक है, रूबल है मुद्रा। इटली के है लीरा, ठीक है, फ्रांस की है फ्रैंक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।